गली गली में आजम खान को पॉपुलर बताया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी इलाके में फेमस है, इसलिए भाजपा का भी पॉपुलर टारगेट बने हुए हैं और एक के बाद एक केस भी दर्ज होते जा रहे हैं। आजम खान यहाँ से 10 बार विधायक रहे हैं और लोग अभी भी उनके साथ खड़े हैं, ये कहना है रामपुर में समाजवादी पार्टी के एक स्थानीय नेता का। इसी साल संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में आजम खान ने जेल में रहते हुए चुनाव जीता था। इसके बाद उन्होंने रामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। रामपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव से पहले खान को झटका देते हुए उनके करीबी सहयोगी और पार्टी के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान उर्फ शानू कई समर्थकों के साथ सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। लोकसभा सपा के हाथ से निकलने के बाद अब आजम की विधानसभा सीट भी चली गई, जिससे यहां की विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सामने अखिलेश के लिए आजम खान एक बड़ा सहारा है, जिसके दम पर वो जीत का ख्वाब बुन रहे हैं। लेकिन खान के बिना क्यों लड़खड़ा जाते हैं टीपू, ये हेडलाइन है एक पॉपुलर न्यूज़पेपर का और इसी पर बात होगी आज के इस वीडियो में। मुलायम की तरह अखिलेश के साथ रहे आजम खान, यहाँ से 10 बार विधायक रह चुके आजम खान स्थानीय ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर सपा के लिए अल्पसंख्यक चेहरा है। मुलायम के राज में सपा सरकार में आजम खान का दबदबा था। मुलायम और फिर अखिलेश के कैबिनेट में आजम को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। बात रामपुर विधानसभा की करें तो आजम जब जब यहां से प्रत्याशी बने, सपा ने अच्छे खासे अंतर से जीत हासिल की, फिर चाहे सामने कोई भी पार्टी या कोई भी नेता क्यों न रहा हो। इस चुनाव में आजम ने अपने परिवार को दूर ही रखा है। साल 2022 में विधानसभा चुनाव में आजम खान की जीत का अंतर 63,000 वोट रहा। 2017 में जब बीजेपी बहुमत से जीत कर आई, आजम ने 46,000 के अंतर से जीत हासिल की। अब 2022 में विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए आजम ने आकाश सक्सेना को 55,141 वोट के अंतर से हरा दिया था। अब आजम खान अहम क्यों है, इसे समझना हो तो 2019 में हुए उपचुनाव के आंकड़ों पर नजर डाल लेनी चाहिए। आजम के लोकसभा जीतने के बाद उनकी पत्नी तंजीन फातिमा चुनावी मैदान में उतरी तो सही, लेकिन 7,716 के मामूली अंतर से जीत सकी। ऐसे में रामपुर के लोगों से क्या कह रही है बीजेपी। रामपुर में बीजेपी के नेता फिर विकास के मुद्दे पर ही बने हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के बाद रामपुर ही दूसरा बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका था। आजम के राज में रुके विकास को आगे बढ़ाने की बात बीजेपी कर रही है और उनके पसंदीदा वोट बैंक पसमंदा मुसलमान ही बने हुए हैं। अब शानू यानी फसाहत अली खान के आजम खान का साथ छोड़ने से कितना फायदा होगा भाजपा को, ये शानू ही थे जिन्होंने इस साल चुनाव नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव के खिलाफ बयान दिया था। ऐसे में रामपुर में चुनाव जीतना अखिलेश और समाजवादी पार्टी से कई अधिक खुद आजम के लिए जरूरी है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अब रामपुर के गली गली में आजम खान का पॉपुलर चेहरा चुनाव के नतीजे पर क्या असर दिखाता है, ये तो रामपुर ही तय करेगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।